गुना के एबी रोड स्थित मारुति शोरूम की वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आगजनी की ये घटना आज सुबह की बताई जा रही है। अचानक लगी आग के चलते शोरूम का स्पेयर पार्ट्स सेक्शन चपेट में आ गया। इस दौरान कई महंगे पार्ट्स जो थे वो जल गए। शुरुआती आकलन के मुताबिक शोरूम में लगभग 40,000 रूपये का नुकसान हुआ है। आगजनी की वजह लो वोल्टेज बताई जा रही है। इसकी वजह से शोरूम में बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि इसकी वजह से लाइन में फॉल्ट भी हो गया था। आगजनी की घटना को देखकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा भी हुए। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड भी इस पर काबू नहीं पा सकी। शोरूम में रखे स्पेयर पार्ट्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। जानकारी मिली है कि प्रेम मोटर्स की एक टीम ग्वालियर से गुना पहुंची जो नुकसान का आकलन कर रही है। मुझे कॉल आया था स्टीफन का, जो कि गार्ड के फोन करने पे यहाँ आ गया था जी। तो उनका कहना था कि सर धुआं निकल रहा है पूरे में से, नीचे काफ़ी धुआं निकल रहा है। दस पाँच दस मिनट तैयार होकर आ गए थे, तब तक गार्ड वगैरह फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया था, खुद चले गए थे। छः बजे के बाद करीब फायर ब्रिगेड आ गई थी और एक घंटे के अंदर हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया था। धुआं निकल नहीं पा रहा था, अंदर घुस नहीं पा रहे थे। फिर कांच वाँच फोड़ के वहाँ से पानी अंदर किया, धुआं निकला। सर कितना का नुकसान होगा, कुछ अंदाजा? नुकसान का आकलन तो वहाँ से ग्वालियर से टीम आ रही है, वही करके बता पाएगी। फिर भी अपने अंदाजे से कुछ रहता है, मैं समझता हूँ कम से कम 20-25 लाख का नुकसान होगा। 20-25? अब वो जहाँ एक्चुअल फॉल्ट हुआ है वहाँ अंधेरा है, अभी लाइट नहीं है, तो जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो अभी काय से हुआ होगा। लेकिन अंदेशा यही है, आपसे सारी लाइट अभी कोई भी मशीन चला रहे हैं तो सारी मशीन आवाज़ कर रही है, तो या तो वोल्टेज बहुत कम है या डीपी फिटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, कारण लाइट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट।